समझिए क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। जहाँ तक बच्चा कंफ्यूज होता है रिजल्टेंट और रिलेटिव में, रिलेटिव वर्ड जब यूज किया जाता है जब एक के कंपेयर में दूसरे को देखना है, और एक के कंपेयर में दूसरे को जब देखना होता है तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि सबट्रैक्शन। रिलेटिव क्या होता है? सबट्रैक्शन। मान लो कभी बोला जाए रिलेटिव पोजिशन निकालनी है तो पोजिशन का माइनस, वाई टू माइनस में वाई वन या एक्स टू माइनस में एक्स वन। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो वी टू माइनस में वी वन। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो ए टू माइनस में ए वन, यानी कि डिफरेंस। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। एक के कंपेयर में दूसरा कितना है, एक के कंपेयर में दूसरा अगर देखना है तो आपको डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं कहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे पढ़ेंगे क्या आप? इसे आप पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू किसकी बेटा? बी के। इसे ये पढ़ेंगे आप। तो अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है ना, वो वैल्यू माइनस करनी होती है। यानी कि मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल ए है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी वी ए से, ये पार्टिकल बी है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी बी बी से। तो देन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी कितना होगा? किसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ए की वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? तो किसे माइनस करना पड़ेगा? बी को माइनस करना होगा ए में से, क्योंकि ए की वेलोसिटी मुझे निकालना है, वो भी बी के कंपैरिजन में। तो ए बी से कितना ज़्यादा है, है ना? यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ अगेन, अब तुम्हारे पास क्या हो गया? वैक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी मैंने वैक्टर सब्ट्रैक्शन का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर मैं इसका मैग्नीच्यूड निकालूँ, अगर मैं इसका मैग्नीच्यूड निकालूँ तो ये क्या बनेगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस में सॉरी माइनस आ जाता है ना फाइनली सॉल्व करने के बाद, माइनस का टू वी ए बी बी कॉस थीटा, ये आएगा। कोई डाउट है? तो ये आपके पास वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं मान लूँ, दोनों मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, डैट इज वी ए एंड बी वी आर इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है, समझिए कॉस जीरो कितना होगा? वन होगा। तो उस केस में वी ए बी क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में टू वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ये सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में हैं दो चीज़ें तो आपको माइनस करना पड़ेगा। पता ना, एक बस यूँ चाहिए दूसरा उसे ओवरटेक करने में टाइम लगा देता है, क्योंकि ओवरटेक करने में आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, वो घट के कम हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में। तो मगर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी क्रॉस करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन का केस लूँ, समझिए अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन का केस लूँ, अगर मैं बोलूँ कि थीटा कितना हो जाए बेटा 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज बोथ वी ए एंड बी वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दो, रिजल्टेंट तो माइनस होता है, मगर अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव की, तो रिलेटिव में कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में टू वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी इंटू में कॉस 180 कितना होता है बेटा? माइनस का वन। कॉस 180 याद होना चाहिए आपको, कॉस 180 होता है माइनस का वन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी आ गया। मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी क्रॉस करते हैं, हाईवे वगैरह पे देखा होगा आपने, ठीक है ना? तो अपोजिट डायरेक्शन का ये, बाकी किसी भी एंगल के लिए हो तो आपको पता ही है, फॉर एनी एंगल के लिए
एनी एंगल के लिए वेलोसिटी ऑफ बी मान लो ये है, वेलोसिटी ऑफ ए मान लो ये है, आपको क्या निकालना वी ए माइनस में बी बी, तो बी बी को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस ऑफ बी बी आ जाएगा, फिर इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाएंगे आप, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये क्या आएगा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। आप कोई डाउट है? तो इस वे में ये सॉल्व होगा, यानी कि रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट नहीं रिलेटिव, रिलेटिव क्या आई है वी ए विद रिस्पेक्ट टू डी, जो कि कितना होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये सब वेक्टर्स में है। कोई डाउट है? सेम फॉर्मूला, एंगल निकालने का वही भाई, अगर मैं कहता हूँ कि ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, ये वाला थीटा था, तो कितना होगा बीटा इज इक्वल टू अभी बताएं टेन इनवर्स, क्योंकि वी बी के साथ देखा हो तो कंपोनेंट किसके टूटेंगे बी ए का साइन थीटा अपॉन में बी ए माइनस आ जाएगा, सॉरी बी बी माइनस में बी ए का कॉस थीटा, पता है ना माइनस क्यों आता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा होता है इसी वजह से, ठीक ना। ये आपके पास बी बी है, ठीक ना, तो इसमें मैं आपको ये सॉल्व करना है, गुड आउट है, लिखिए दो केस और हैं जो नीट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक है अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ध्यान दो, अगर मान लो एक पर्सन है वो यू आगे क्यों जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मेन है और इसके ऊपर रेन यू फॉल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करेगा बारिश से, तो किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली जब ये मेन मूव करेगा तो वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, जिस डायरेक्शन में उसे रेन आती हुई दिखाई देगी, तो याद रखना अम्ब्रेला प्रॉब्लम में द मेन होल्ड द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, अब क्योंकि वो भी वॉक कर रहा है तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा बारिश कहाँ पे आ रही है, उसी डायरेक्शन में वो होल्ड करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या इन द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू हिम, उसकी रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में रेन आएगी उसी डायरेक्शन में वो होल्ड करेगा, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मेन, उसके खुद के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा, कोई डाउट है? अब ये कैसे निकालेंगे समझिए भाई, रेन मान लो इस वाली डायरेक्शन में आ रही है, रेन मान लो इस वाली डायरेक्शन में आ रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, मेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन में से आप माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ मेन, ऐसे ही होगा। अब अगर मेन की वेलोसिटी, बेटा ध्यान दो, अगर मेन की वेलोसिटी ये है तो इसका माइनस वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, ये माइनस ऑफ मेन हो गया, है ना। अब ये बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट, मुझे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही देखना है ना, ये एक तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन का प्लस में माइनस में वेलोसिटी ऑफ
मेन का, ये तो होगा रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो क्या ये नहीं आएगा, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, कैसे निकालोगे पाइथागोरस से। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर माइनस में टू वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मेन इंटू में कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर इस वाले क्वेश्चन में। तो अब मेरे पास कितना आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर, ये तो आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। बट मुझे तो डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन मान लो वो कितना एंगल बनाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है, अगर ये एंगल बना रहा है कितना बीटा, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विद मेन के साथ देख लो, किसके साथ देखोगे पहले ये बताइए, मेन के साथ। अगर मैं मेन के साथ देखूँ तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ होगी वी आर, और ये क्या हो गया वी एम, तो परपेंडिकुलर बेस, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है वी आर डिवाइड बाई वी मेन, ये फॉर्मूला होगा एक्चुअली। तो 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस देखिए 10 वहाँ पे जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, गुड डाउट है, ये है मेन एक्चुअल प्रॉब्लम, याद रहिएगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए, यानी कि आप जो अम्ब्रेला होल्ड करवाएंगे उसे वो इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ठीक है। नहीं बेटा, अगर आप खड़े हो तो छाता यूं होल्ड करते हो ताकि सीधी है, मगर जैसे चलने लगते हो तो कभी भी छाता पीछे नहीं करते क्योंकि मुंह पे लगती है, क्योंकि आप आगे जा रहे हो, ऐसा लगे भाई आप आगे जा रहे हो, रेन यू आ रहा है तो दोनों का रिलेटिव सामने से आता हुआ दिखाई देगा, तभी ज़्यादातर मुँह पर लगती है, तो हम उससे बचने के लिए छाते को यूँ होल्ड करते हैं, देखा है ना। लिखिए